तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस पी रियल टिप्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Instagram की ड्राफ्ट रील को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर और सही तरीका बताऊंगा, आप कुछ ही सेकंड में अपने Instagram की ड्राफ्ट रील को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले हम अपने इंस्टाग्राम ड्राफ्ट रील को डिलीट करते थे, वो कुछ तरीका बदल चुका है, तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ पर हमने अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, उसके बाद हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर रील के सेक्शन पे आएंगे, तो यहाँ पर हमारी सभी रील शो हो जाएगी और जो रील हमारी ड्राफ्ट में सेव है वो भी यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक रील हमारी ड्राफ्ट में सेव शो हो रही है, लेकिन वैसे तो तीन रील है ये टोटल, फिलहाल यहाँ पर एक ही रील यहाँ पर शो हो रही है जो ड्राफ्ट में सेव है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट अब नहीं कर पा रहे, पहले हम यहीं से ही ड्राफ्ट रील को डिलीट कर सकते थे। जैसे हम इस रील पर क्लिक करते थे और उसके बाद किसी भी रील को हम लॉन्ग प्रेस करते थे तो वहाँ पर आपको एक नीचे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन हाल ही में अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब बात आती है कि अब हम इस ड्राफ्ट रील को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट रील डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको दोबारा से अपने इंस्टाग्राम के होम स्क्रीन पर आना है, उसके बाद आपको रील सेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको राइट साइड के टॉप पर यहाँ पर जो कैमरे का आइकन मिलता है जहाँ से आप अपनी इंस्टाग्राम रील को पोस्ट करते हो, आपको इस कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड के सबसे नीचे जो यहाँ पर आपकी गैलरी का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको कुछ न्यू ऑप्शन शो होंगे और यहाँ भी आपको एक ड्राफ्ट का ऑप्शन भी शो हो रहा है सेकेंड नंबर पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको इस ड्राफ्ट पे क्लिक करना है और जो रील आपको इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में रील सेक्शन में देखने को मिल रही थी, जो ड्राफ्ट में रील सेव थी, वो यहाँ शो हो रही है। तो तीन रील हमारी ड्राफ्ट में सेव है, तो अब हम इसको डिलीट यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रील आपको देखने को मिल रही है और इसके सामने आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आसानी से डिलीट का बटन मिल जाता है, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे एक एक करके सभी रील को यहाँ से बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने तीनों रील को डिलीट करना चाहूँगा। तो यहाँ भी आपको एक बात और समझा दूँ, यहाँ भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको जो सेकंड नंबर पर जो रेड में डिलीट का बटन है, इसी पे ही क्लिक करके रील को डिलीट करना है, तभी आपकी रील परमानेंटली डिलीट होगी। तो चलिए, मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम रील की तीनों रील को मैंने ड्राफ्ट से डिलीट कर दिया है। तो अब हम दोबारा से अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आएंगे और उसके बाद हम आपको रिफ्रेश करेंगे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, और यहाँ से जो पहले आपको ड्राफ्ट रील यहाँ पर शो हो रही थी वो अब यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। दोस्तों थोड़ा तरीका बदल चुका है, अभी यहाँ से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से आप ड्राफ्ट रील को डिलीट नहीं कर सकते। सो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फिर भी अगर मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।